फ्रेंड्स, ये है यूरोनिक्स का ऑटोमेटिक सेंसर टैप। इसका मॉडल नंबर है ET04NW। ऑटोमेटिक सेंसर टैप है दोस्तों, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर से जो भी पानी आता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्शन के बाद ही आता है। यानी जैसे ही आप इस नल के नीचे हाथ रख देते हो पानी शुरू हो जाता है, और जैसे ही आप हाथ हटा देते हो पानी बंद हो जाता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक सेंसर टैप। ये आपके हाथ को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग वाटर फ्लो को ऑन एंड ऑफ करता है। यूरोनिक्स दोस्तों एक इंडिया बेस्ड ब्रांड है, और इनके खुद के बहुत ही जबरदस्त इंडस्ट्रियल ग्रेड डिजाइन कॉन्टैक्टलेस ऑटोमेटिक मशीन्स है। यूरोनिक्स ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट का हमने पहले भी रिव्यू बनाया है, आप प्लीज उस यूरोनिक्स के प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लेना दोस्तों। इस ऑटोमेटिक सेंसर टैप की बात करें तो सिमिलर टैप्स को आपने एयरपोर्ट्स पर देखा होगा, बड़े बड़े होटल्स में देखा होगा, मॉल्स में देखा होगा, बड़े रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, मूवी थिएटर्स के वॉशरूम्स में भी देखा होगा। तो जितने भी हाई ग्रेड एरियाज हैं उन सारी जगहों पर आपको ऑटोमेटिक सेंसर टैप देखने को मिलते हैं। सो इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर डीलिंग इन सच काइंड ऑफ इंडस्ट्री, देन यू शुड गो विद दिस यूरोनिक्स ऑटोमेटिक सेंसर टैप। पर अगर आपके पास पैसा होगा तो आप आपके घर में भी लगा सकते हो। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अभी इसके बारे में और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको दो होस मिल जाते हैं, एक सेंसर टैप को उस यूनिट के साथ कनेक्ट करने के लिए, और दूसरा उस यूनिट को मेन वाटर इनलेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद ड्यूरासेल की 4AA अल्कलाइन बैटरीज भी इसके साथ आपको मिल जाती है, यूजर मैनुअल मिलता है। उसके बाद है दोस्तों ये मेन सोलेनोइड वॉल्व का यूनिट, जिसके अंदर से ही पानी कंट्रोल होता है। ये है स्क्रूज उस यूनिट को माउंट करने के लिए। ये आपको टैप अटैचमेंट्स मिल जाती है बेसिन के ऊपर लगाने के लिए। और फाइनली ये है टैप। टैप की अगर मैं बात करूं तो स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर आपको जबरदस्त शाइनिंग बॉडी मिल जाती है, और टैप का डिजाइन भी एकदम ही स्टाइलिश है। अगर आप आपके घर में लगा रहे हो तो 100% आपके बाथरूम वॉशरूम का लुक चेंज होने वाला है। इसका फॉसेट भी दोस्तों अच्छे क्वालिटी का है। नीचे इसकी सेंसर वायर है। इस यूनिट में दोस्तों आपको दो ओपनिंग्स मिलते हैं, एक वाटर इनलेट के लिए और एक वाटर आउटलेट के लिए। ऊपर साइड है 4 स्क्रू जिसके अंदर लगा है बैटरी यूनिट, यानी 4 स्क्रू को आपको अनस्क्रू करके इसके अंदर प्लेस करनी होती है 4AA ड्यूरासेल बैटरीज। इस ऑटोमेटिक सेंसर टैप के अगर मैं फायदे की बात करूं तो सबसे पहला फायदा है ये वाटर सेविंग करता है। आपको नल खुला छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल टैप्स होते हैं, हम उसे ओपन रख देते हैं, फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश होने के बाद हम नल क्लोज कर देते हैं। इन दिस ऑटोमेटिक सेंसर टैप जैसे ही आप हाथ हटा देते हो पानी ऑफ हो जाता है, और जैसे ही आप इसके सामने हाथ रख देते हो पानी ऑन हो जाता है। सबसे मेन चीज आपका वाटर सेविंग होगा। सेकंड चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के केस में वो है सैनिटेशन। तो आपको इस नल को टच करने की जरूरत ही नहीं है, जिससे जर्म स्प्रेडिंग होगा ही नहीं। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा जर्म्स ये वॉशरूम्स बाथरूम्स में स्प्रेड होते हैं ड्यू टू कॉन्टैक्ट। सो अगर कॉन्टैक्ट का सवाल ही नहीं है तो जर्म स्प्रेडिंग का भी सवाल नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक इंटेलिजेंट टैप है दोस्तों। इसके अंदर सेंसर लगा है, एक छोटा माइक्रो कंप्यूटर भी लगा है जो सारी एक्शंस को अपने अंदर से कंट्रोल करता है। अगर हम इसके कंट्रोलिंग की बात करें तो ये दोस्तों 220 वोल्ट एसी पर भी चलता है, और साथ ही 6 वोल्ट डीसी पर भी चलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो अगर दोस्तों आपके घर की लाइट या फिर होटल या जहां कहीं भी ये टैब इंस्टॉल है वहां की अगर इलेक्ट्रिसिटी फॉर सम रीजन कुछ समय के लिए ऑफ हो जाती है, कट हो जाती है, तो ये टैब तो बंद हो जाएगा, फिर तो हाथ धो ही नहीं पाएंगे। तीन नल लगा देने वाला। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पर डीसी 6 वोल्ट का भी फैसिलिटी दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको 4AA अल्कलाइन ड्यूरासेल बैटरीज ही डालनी है, जो आपको इसका बैटरी बैकअप देती है करीब 2 साल तक। जस्ट इमेजिन गाइज, एक बार आपने बैटरी डाल दी तो ये 2 साल तक वर्क करेगा डिपेंडिंग ऑन 300 साइकल्स पर डे। यानी अगर आप 300 बार दिन में हाथ धोते हो तो ये चलेगा 2 साल तक। हाउ अमेजिंग इज इट। इसका पावर कंजम्पशन भी दोस्तों बहुत ही कम है, 0.5 मिलीवॉट। अगर हम डिटेक्शन जोन की बात करें, यानी आईआर डिटेक्शन की रेंज की बात करें, तो ये 9 से 18 सेंटीमीटर तक एडजस्टेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आईआर सेंसर है उसका डिस्टेंस आप एडजस्ट कर सकते हो अगर आपको जरूरत होगी तो ही। इसके मैनुअल में वो सारी डिटेल आपको दी हुई है। तो अभी गाइज मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ, पूरा सेटअप करके दिखाता हूँ कैसे हमें इसे लगाना है।
हैंड डिटेक्ट होने के बाद ये पानी को 0.5 सेकंड्स में ऑन कर देता है और जैसे ही हम हाथ निकाल देते हैं तो ये पानी को 0.5 सेकंड्स में ही ऑफ कर देता है। इस टैप को आपके बेसिन के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल इंस्टॉलर की ही प्लम्बर की ही हेल्प ले दोस्तों। इस पूरे यूनिट को दोस्तों आपको कुछ इस फैशन में लगाना है। इंस्टॉलेशन ऑब्वियसली सिंपल है और मैनुअल में भी कैसे इंस्टॉल करना है वो दिया है, बट इट्स बेटर टू यूज अ प्रोफेशनल हैंड। जब भी दोस्तों इसके अंदर लगी हुई बैटरीज डाउन होने वाली रहेंगी तो आपको यहाँ पर इंडिकेशन लाइट से इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर रेड लाइट ब्लिंक करती है हर 4 सेकंड में तो इसका मतलब यही है कि बैटरी डाउन हो चुकी है, उस केस में ये टैप ऑफ हो जाएगा। बाकी अगर आपको इस सेंसर टैप को खरीदना है तो मैंने इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके भी बल्क ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।